हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की डेट में एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है निपोन लाइफ से रिलेटेड। देखिए, चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन नजर आ रहा है और ब्रेकआउट नजर आ रहा है उसमें। और अगर बात करें 453 रुपए का शेयर, लगभग 40% के आसपास का गेन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये गेन आपको 6 मंथ से 1 ईयर में ही मिल जाता है ना, तो काफी बेहतरीन गेन होता है। तो इस चीज को हमेशा याद रख के ऐसे ही इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा खासा गेन मिलेगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शेयर से रिलेटेड जो की वर्ल्ड लीडर है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। ओके, एज वेल एज बात करें काफी उसमें भी एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। काफी अच्छा चार्ट पैटर्न, अच्छे गेन आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज आप वीडियोस नीचे काफी सारी वीडियोस आपको दी गई है, इन वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो जिस शेयर की तरफ हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 5% की आज के डेट में जंप देखी गई है। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखेंगे, यहाँ पर देखिए फ्लैट नजर आ रहा है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो भी फ्लैट नजर आ रहा है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो भी मतलब अच्छे खासे तो नहीं कहेंगे, बट हाँ पॉजिटिव यहाँ पर व्यू है। और 1 ईयर टू डेट का देखेंगे और 1 ईयर का भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अच्छे खासे गेन इस कंपनी ने आपको दिए भी है। और 140% के रिटर्न यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर देता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, तो आपको डिस्क्लेमर पहले ही दे देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो ये शेयर है बहुत वॉलेटाइल है और यहाँ पर आपको ज्यादा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना होता स्मॉल कैप कंपनी में। एज वेल एज एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज से है, बाइंग सेलिंग की कोई भी किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। आपकी खुद की स्टडी और फाइनेंशियल एडवाइजर से ही हेल्प लेके कुछ आगे की स्टडी इसके बारे में बाइंग और सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए अच्छी अच्छी गिरावट यहाँ पर हर पीरियड में होती हुई नजर आई है और बहुत बड़ी बड़ी गिरावट भी हुई है, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी गिरावट हुई है। और अच्छा खासा गेन भी यहाँ पर कंपनी ने देता हुए नजर आई है। एक बार यहाँ पर गिरावट हुई, फिर इसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हुई और फिर यहाँ पर बीच बीच में छोटी मोटी गिरावट, उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग गिरावट भी यहाँ पर होती हुई नजर आई है। और पिछले 3 साल की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट। बट अगर बात करें ये शेयर अब इतना चला है कि ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, जो कि लास्ट टाइम भी था, अगर बात करें 250% के रिटर्न तो यहाँ पर दिए ही दिए। और यहाँ पर ऑल टाइम हाई लास्ट टाइम यहाँ पर अगर बात करें 500 के आसपास था और ये शेयर अगर बात करें यहाँ पर 451 के आसपास, मतलब लाइफ टाइम हाई की डायरेक्टरी में ही एक ये शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो हर चीज के पैरामीटर को देख के ही आपको इन्वेस्ट करना है। बट अगर देखिए जब लाइफ टाइम हाई को तोड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है एक चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा है जो कि आपको अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, जो अभी आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर बात करें 52 वीक लो की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 174 रुपीस का शेयर 1 साल पहले था। और बात करें आज के दिन में ही यहाँ पर देखिए 52 वीक हाई भी लगाया है शेयर ने 463। और आज के दिन में काफी सारे शेयर ने 52 वीक हाई लगाया है। एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज की, 21% के शेयर 1,19,000 शेयर यहाँ डिलीवरी बेसिस पे उठाते हुए दिखाई दिए है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 44% के शेयर मतलब प्रमोटर्स के पास है जिनमें से कोई भी शेयर भी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का नाम क्या है उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो कंपनी का नाम है यूफ्लेक्स। अब यूफ्लेक्स की अगर बात करें तो यहां पर देखिए ये यूफ्लेक्स इज द लीडिंग इंडियन मल्टीनेशनल इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेल्स ऑफ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स अ कंप्लीट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सॉल्यूशन ऑफ इट्स कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब। तो मतलब ये लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है, मतलब ये जिस तरह आपके जो आप घर में जितना भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें जो पैकेजिंग आती है ना, मोस्टली यही कंपनी करती हुई नजर आती है और इंडिया का शायद ये लार्जेस्ट वन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकेजिंग फिल्म, होलोग्राम, केमिकल सिलेंडर, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, एस्पेक्ट लिक्विड पैकेजिंग एज वेल एज इंजीनियरिंग, ये इस सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर देख सकते हैं पैकेजिंग फिल्म में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। ये देखिए ये जितना भी प्रोडक्ट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पैंपर्स हो गया, यहाँ पर टाटा टी हो गई, ये जितने भी प्रोडक्ट्स है, लहर, ये जितने भी आप देख रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स में जो भी पैकेजिंग हुई है यही कंपनी करती हुई नजर आती है। तो इस थोड़ा सा इस चीज को देख सकते हैं कि वर्ल्ड हमारे इंडिया में ही कितना कंजप्शन होता है इन सारी चीजों का। तो ऑब्वियसली बात है ये प्रोडक्ट्स पैकेजिंग तो ये कंपनी लीड करती हुई नजर आती है इस चीज को। यहाँ पर एस्पेक्ट लिक्विड पैकेजिंग में कंपनी का मतलब इन लिक्विड चीजें होती है उसके भी यही कंपनी करती हुई नजर आती है। केमिकल से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इंजीनियरिंग,
सिलेंडर्स, इस तरीके के जो सिलेंडर से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, होलोग्राफी में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जितनी भी ये पैकेजिंग, यहाँ पर जो स्टाइल वगैरह दिया, सब चीट में ये कंपनी ही काम करती हुई नजर आती है। इस तरीके के जो ट्यूब्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग आइडियल इंटू रियलिटी, फ्लेक्सी ट्यूब्स, एंडलेस पॉसिबिलिटीज, तो ये इसी में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। और इनकी अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, देखिए यहाँ पर जो हरे हरे दिखाई दे रहे हैं ग्रीन में, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है मेक्सिको, यूएस, इजिप्ट, पोलैंड एज वेल एज यूएई। यहाँ पर बात करें सदानंद, इंडिया, जम्मू इंडिया एज वेल एज नोएडा, यहाँ पर ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। और इनके और फैसिलिटीज आने वाली है यहाँ पर नाइजीरिया, अफ्रीका में, हंगरी में यहाँ पर आने वाली है, एज वेल एज यहाँ रशिया में भी इनके प्लांट्स आने वाले हैं। तो कंपनी अपने आप को ग्लोबली प्रेजेंट भी कर रही है और अपने आप में लीडर भी है, इस चीज को आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर पढ़ा है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। बात करते हैं अब इसके कुछ फाइनेंशियल्स की। तो मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है, 3128 करोड़ की मार्केट कैप है। आरओएसी की बात करें तो 9.58% का आरओसी है और 4 के पीई पे ही ये कंपनी मिल रही है, कोई प्लेजिंग नहीं है। डेट की बात करें तो 71% का यहाँ पर डेट नजर आता है, डेट यहाँ पर ज्यादा है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सेल्स की बात करें तो सेल्स यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंसी है इसमें, इनके नंबर्स में ओके, और हाईएस्ट एवर नंबर्स पिछले दो क्वार्टर में दिखाती हुई नजर आए, पिछले 12 क्वार्टर्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी हाईएस्ट एवर ही यहाँ पर नजर आए पिछले 3 क्वार्टर के, और नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी हाईएस्ट एवर ही है पिछले 3 क्वार्टर में। और एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी, इनके जो ईयरली परफॉर्मेंस है पिछले 10-11 साल की, तो वो भी अगर देखते हैं सेल्स, तो पहले 1994, फिर 2250, फिर 3485, मतलब यहाँ पर देखिए हर पहले एक मतलब 1000 की डायरेक्टरी में थी, फिर 2000, फिर 3000, 4000, 5000, 6 यहाँ पर लगभग 6000 की डायरेक्टरी, फिर उसके बाद 7000, अब 8000 की डायरेक्टरी में कंपनी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया, तो ये सारी चीजें जहाँ पर हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब चीज दिखाई देती है। तो ऑब्वियसली बात है ये कंपनी अपने आप को ग्रो करना जानती है, इनका मैनेजमेंट जानता है कि हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू मेक मनी, तो ये सारी चीज इस चीज की उदाहरण होती है। तो याद रखिएगा ये कंपनी आपको अच्छा खासा गेन दे सकती है फ्यूचर में। रिजर्व्स की बात करें, 5000 के रिजर्व्स हो गए 797 से लेके। और बात करें बोरिंग की, यहाँ पर बोरिंग यहाँ पर इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है जो कि 3607 है, जो कि काफी ज्यादा है ओके। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या है, तो यहाँ पर इनके फिक्स एसेट, मतलब कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। और यहाँ पर देखिए यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस में जो ये पैसे लगे हुए हैं ना, एक बार यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा काम हो गया और यहाँ पर जीरो आ गया और यहाँ पर जो फिक्स एसेट बढ़े, तो ऑब्वियसली बात है ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जितना एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट में इनका बढ़ता हुआ नजर आएगा, जब अगली बार के जब प्रॉफिट यहाँ पर फिर जनरेट होंगे तो वो भी हाईएस्ट एवर जनरेट होते हुए हमें नजर आएंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करें, 197 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, कैश भी अच्छा खासा है ओके, ट्रेड रिसीवेबल भी इनको अच्छे खासे करोड़ों में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज हमें देखनी पड़ेगी। और प्रमोटर्स की होल्डिंग 44% की है, FIIs ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है 5.16% की, DIIs की बात करें 1.61% की, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास ना के बराबर ही कहूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर HNIs के पास यहाँ बात करें 7%, 11%, 4%, 4%, 1%, 3%, तो लगभग 30% के आसपास की हिस्सेदारी, 30 तो नहीं कहेंगे अगर बात करें, हाँ लगभग 30% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर HNIs और बड़े बड़े लोगों के पास है, और 15-20% की हिस्सेदारी यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के पास है। तो इस चीज को आप ध्यान में रख के काम करिए। और बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ आपके सामने इसका चार्ट है ओके। यहाँ पर बात करें इसका ऑल टाइम हाई के आसपास ये डायरेक्टरी में यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर दोबारा देखें इसी डायरेक्टरी में यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही है। और अगर बात कर रहे हैं अब बात कर रहे, देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर कौन सा है, दिसंबर 2017 की बात चल रही है यहाँ पर, तो अगर हम बात करते हैं दिसंबर 2017, तो यहाँ पर नजर आता है दिसंबर 2017, इससे पहले ही नजर आता है। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते, यहाँ पर देख लेते 2017, तो यहाँ पर देखिए 6500 करोड़ की सेल्स थी, और प्रॉफिट की बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना था। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से डबल हो चुका है, इस चीज को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर रेवेन्यू डबल हो चुकी है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी लगभग डबल हो चुका है। जब ये डबल हो चुका है और यहाँ पर सेम यहाँ पर शेयर यहाँ पर देखिए ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी शेयर को डबल हो जाना चाहिए, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के अगर बात करें तो ओके। जिस तरीके से रेवेन्यू 3 साल के अंदर बढ़ गई है, एज वेल एज बात करें यहाँ पर सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये शेयर को भी बढ़ जाना चाहिए। और बात करें यहाँ पर जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बनता
बचता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये शेयर अब निकलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर क्रॉस कर लिया है और ये शेयर कभी भी निकल सकता है। यहाँ पर इसने शोल्डर बनाया, फिर एक हेड बनाया और फिर उसके बाद यहाँ पर से फिर इसने एक शोल्डर बनाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ से अगर इस तरीके का जब चार्ट पैटर्न होता है ना, जब इस तरीके के ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न ये कोई भी कंपनी का चार्ट बनाता है, तो ऑब्वियसली बात है ये बड़े प्रॉमिसिंग होते हैं और ये अपने जो ये टारगेट निकल के आते हैं उन्हें हमेशा अचीव करके ही लौटते हैं। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिए। और अगर बात करते हैं इसके प्रॉफिट की, ये कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे नीचे ले आता हूँ और इसके हाई को देख लेते हैं। तो लगभग लगभग ये शेयर यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे, कहाँ पर, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देख लिए 800 रुपए के आसपास ये शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कितना 73-74% के यहाँ पर रिटर्न है। और 73-74% के रिटर्न अगर आपको 1 से 1.25 साल में भी मिल गए तो काफी बेहतरीन रिजल्ट होंगे। और तब की बात कर रहा हूँ जब यहाँ पर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर रिवेन्यू नजर आ रहा है। और कंपनी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर कंपनी एक्सपेंड कर रही है धीरे धीरे, यहाँ पर से जो ये सारा का सारा पैसा यहाँ पर जब बढ़ता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर 207 था यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, एक्सपेंड हो, मतलब कि कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं। और जब ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है इनके लीडर्स बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ये हब बना रहे हैं अलग अलग जगह पर, 3 हब अभी बनने हैं रशिया नाइजीरिया में, तो यहाँ पर अच्छा खासा ये पर गेन करता हुआ नजर आएगा। और लीडिंग है इसमें, वर्ल्ड लीडिंग यहाँ पर बात करें मैन्युफैक्चरिंग में तो और पैकेजिंग में, तो इस चीज को ध्यान में रखें यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। और यहाँ पर चार्ट पैटर्न जब गवाही दे रहा है कि भाई हाँ मैं निकलने को तैयार हूँ, तो आपको देखना चाहिए, रिजल्ट भी आने वाले हैं और ये शेयर कभी भी भाग सकता है, तो इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खुद की स्टडी करनी है एज वेल एज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी है। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर जो आपका खुद का चैनल है सब्सक्राइब करना है, इसे दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करवाना है और बेल आइकन को हिट करना है ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिले और यहाँ से सीखे और सीख के आगे बढ़े और पैसा अच्छा खासा कमाए। और एक डिस्क्लेमर और, आपको फंसना नहीं है ऊपर लेवल पर, मार्केट हाई लेवल पर ऐसे शेयर को एकोमोडेट करिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और नीचे लेवल पर मिल रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।